भाई ये क्या क्या तगड़ा मामला कर दिया MSI ने। मैं CES आया था लास्ट वीक 2026 अटेंड करने और MSI का कंपोनेंट्स बूथ मैंने देखा। अगर तुम PC बिल्ड करने की सोच रहे हो ना 2026 में तो रुक सकते हो, बिकॉज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग स्टफ है इनके पास, स्टार्टिंग फ्रॉम अ GPU, मॉनिटर, नए नए मदरबोर्ड्स, मतलब हर कैटेगरी में। और सबसे प्यारी अपनी भाई वाली बातचीत ग्राफिक्स कार्ड की कैटेगरी, सबसे पहले वही दिखा देता हूँ। और जो लोग टेक को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तुम्हें पता होगा MSI की लाइटनिंग सीरीज के GPU आया करते थे पहले, तो 2019 में लास्ट इनका 2080 आया था लाइटनिंग सीरीज का GPU, इन्होंने रिवाइव कर दिया 2026 में, सीधा 1590 निकाला। और भाई आप ये GPU देखो, प्रॉपर 8 इंचेस की OLED डिस्प्ले के ऊपर, और ये कस्टमाइज हो सकती है। इसके ऊपर आप सिस्टम मॉनिटरिंग कर लो, कोई वीडियो चलानी है वो चला लो, एज एन एक्सटर्नल डिस्प्ले चला लो, यानी कि गेम भी खेल सकते हैं इसके ऊपर, पर वैसे खेलेगा ही कौन बट हाँ अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके ऊपर चैट्स वगैरह कर सकते हो एज अ सेकेंडरी मॉनिटर, काम तो आ सकता है। और इसके अंदर कस्टम PCB यूज हो रखी है जिससे आप इसमें एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग कर पाओगे। देखो अगर आप एक गेमर वगैरह हो ना तो इस टाइप के GPUs आपके लिए नहीं होते, ये लिक्विड कूल्ड है, ओवरक्लॉकिंग इसके अंदर हो जाती है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आज की डेट में लोग लोकली रन करते हैं, लोग गेम डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को इस टाइप के GPUs टारगेट करते हैं जिनका सिस्टम पूरा पूरा दिन बस फुल GPU लोड पे चलता रहता है। उसके अलावा आप GPU देखो, इसके अंदर फुली कवर कोल्ड प्लेट मिलती है फॉर बेटर कूलिंग, एंड हाइब्रिड फिन रेडिएटर भी इसके अंदर लगा रखे हैं फॉर ऑप्टिमाइज्ड एयर फ्लो। अब देख के पता लग रहा होगा कोई सस्ता सस्ता हिसाब किताब तो है नहीं है, किडनी टचिंग प्राइसिंग होगी, जब आएगी तो डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। और भाई अगर 2026 में PC बिल्ड करने की सोच रहे हो और मदरबोर्ड लगाना है तो इन्होंने अपने B850 चिपसेट एंड X870A चिपसेट को रिफ्रेश कर दिया है, मैक्स लगा दिया है उसके आगे, और उसके अंदर हमारे को दो मेजर चेंजेस मिलते हैं। एक तो अपग्रेडेड OC इंजन हमारे को उसके अंदर मिलता है जिसकी वजह से हमारी ओवरक्लॉकिंग ज्यादा प्रिसाइज और स्टेबल हो जाएगी, और BIOS का साइज अब 64 MB हो गया। तो पहले क्या था, कुछ फीचर्स MSI को बार बार रिमूव करने पड़ते थे BIOS में से, अपडेट देगी स्टेबिलिटी वगैरह वैसे, लेकिन अब साइज अच्छा खासा है BIOS का, तो BIOS आपकी फीचर रिच भी रहेगी। और फ्यूचर CPUs अगर AM5 की अगर बात करें, B सीरीज में आप लगाते हो तो उसका भी सपोर्ट आपको बेटर मिलेगा। और अगर X870E की बात करो जो कि फ्लैगशिप मदरबोर्ड है, इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा है, इसके अंदर हमारे को ट्यूनिंग कंट्रोलर मिलता है जिसकी वजह से आप वोल्टेजेस, क्लॉक्स एंड मेमोरी सिग्नल्स को रियल टाइम ज्यादा एक्यूरेटली मैनेज कर पाओगे। ये थोड़े एडवांस्ड यूजर्स के लिए हो गया, बाकी सारी चीजें लास्ट ईयर वाले मदरबोर्ड वाली ही है इनके अंदर। और भाई ये देखो मेरे पीछे एक ओपन बेंच, इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज रखा है ना वो अंडर डेवलपमेंट है, अभी फाइनल प्रोडक्ट वेरी कर सकता है। इसके अंदर अगर आप रैम देखो ना तो 8 डेटा की 128 GB 4 रैम QDIMM लगी है। ये नॉर्मल रैम के कंपैरिजन में डिफरेंट कैसे है, आपको एक ही सिक पे ज्यादा मेमोरी के साथ साथ ज्यादा स्टेबल डेटा हैंडलिंग भी मिलती है, और ये रैम अपनी क्लॉक खुद मैनेज करती है, तभी तो हाई कैपेसिटी के साथ साथ भी स्टेबिलिटी बनी रहती है। एंड इस टाइप की बिल्ड और ये रैम्स ना गेमर्स वगैरह को ज्यादा टारगेट नहीं करती, ये स्पेसिफिकली वर्क स्टेशंस, AI वर्कलोड, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हैवी कंटेंट क्रिएशन, उनको टारगेट करती है। मतलब फ्यूचर पूरा AI के भरोसे ही है। पहली रैम के प्राइस इतने बढ़ रहे थे, ऊपर से अभी ये 4 रैंक और आगे पता नहीं कितनी महंगी होगी। और भाई स्मॉल फॉर्म फैक्टर PC बिल्ड बहुत लोग करते हैं, और उसके लिए अगर आपको तगड़ा मदरबोर्ड चाहिए, मतलब छोटा सा लेकिन फ्लैगशिप मामला, तो इनका X870i HTI EVO Wi-Fi आप मदरबोर्ड चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर भी अपग्रेड्स हैं, एक तो 64 MB BIOS और OC इंजन वगैरह तो है ही, उसके अलावा एक्सट्रीम मेमोरी OC का सपोर्ट भी है, यानी कि DDR5 मेमोरी आप यूज कर रहे हो उसको भी आप हायर फ्रीक्वेंसी तक लेके जा सकते हो, जो शायद इनके पिछले वाले मदरबोर्ड में नहीं होता था। और प्रॉपर लेटेस्ट कनेक्टिविटी मिलती है, जैसे टाइप सी USB 4 पोर्ट मिलता है, वाईफाई 7 है, एंड मेजरली एक 5-in-1 एक्सपेंडर कार्ड मिलता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट है, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड इसका VRM डिजाइन भी अपग्रेड हो गया, तो यानी कि फ्यूचर CPUs, फॉर एग्जांपल आपको Ryzen 9 लगाना है तो स्टेबल पावर वहां पे आपको मिलेगी। अब दिखने में तो छोटा सा है पर सारा कुछ फ्लैगशिप डाल दिया इसके अंदर। अब MSI की गेमिंग सीरीज आती है जिसमें MEG, MAG, MPG आता है, उसके अलावा इनकी प्रो सीरीज आती है, उसके बीच में भी इन्होंने ना एक और सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है विच इज प्रो मैक्स। और प्रो मैक्स का पूरा लाइनअप जो आपके सामने आ रहा होगा जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं, और उसका पूरा PC बिल्ड भी हो रखा है बगल में अगर देख सकते हो, और पूरा ना वाइट मामला है, तो सेटअप लग भी बहुत क्लीन और प्यारा रहा है, एकदम प्रीमियम बातचीत। और ये डेडिकेटेडली टारगेट कर दिया थोड़े क्रिएटिव लोगों को जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, प्रोडक्टिव टास्क वगैरह कर रहे हैं, ऐसे में गेमिंग वगैरह नहीं हो सकती, बट गेमिंग के लिए इनका सेगमेंट अलग है ही। फिर अब प्रो मैक्स सीरीज के अंदर X870E मदरबोर्ड भी है, तो अगर फ्लैगशिप PC बिल्ड आपको करनी हो उसके अंदर ही आ सकता है। उसके अलावा AION का प्रो मैक्स M15 360 जो 360 mm का AIO है, और 1000 वॉट की पावर सप्लाई विच इज प्रो मैक्स 1000 PL, और ये 80+ प्लैटिनम पावर सप्लाई है। और प्रो मैक्स सीरीज का इनका एक प्रीबिल्ड PC भी है यहाँ पे जिसके अंदर AMD Ryzen AI 9365 प्रोसेसर है इसके अंदर, और ये प्रीबिल्ड PC ग्राफिक्स कार्ड को भी सपोर्ट करता है अगर आपको लगाना हो, और छोटा साइज है इसका, अपग्रेड वगैरह इजीली आप कर लोगे, जिनको अपना सेटअप थोड़ा क्लीन रखना है, एकदम कॉम्पैक्ट सिस्टम चाहिए। और उसी के साथ इनके प्रो मैक्स सीरीज के मॉनिटर्स हैं जिसके अंदर 27 एंड 24 इंचेस दो ऑप्शन है, ये भी पूरे व्हाइट है, इसमें QD OLED हमारा 27 इंचेस में और 24 इंचेस हमारा IPS है। स्पेक्स वगैरह मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके। और भाई तुम ये छुटका सा सिस्टम देखो मेरे पीछे, ये छोटा सा सिस्टम 120 बिलियन पैरामीटर मॉडल तक रन कर सकता है क्योंकि इसके अंदर अपनी 128 GB यूनिफाइड मेमोरी है। मतलब इसके अंदर जो AMD का Ryzen AI Max 300 सीरीज का प्रोसेसर है ना,
उसके आई जीपीयू को आप 96 GB रैम मेमोरी एलोकेट कर सकते हो एक्सक्लूसिवली, और उसकी वजह से ये इतने बड़े बड़े मॉडल्स चला भी पाता है। और बाकी रैम तो सिस्टम चलाने के लिए है ही, और इसके अंदर MSI वालों ने एक्सक्लूसिवली एक स्टोर डाला है जिसका नाम है लाइट, और इसके अंदर सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो आप ऑन द गो डाउनलोड कर सकते हो एंड लोकली अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो। भाई इतनी इतनी चीजें, इतनी पावर कैसे? और भाई पूरा जब डेस्क सेटअप बनता है ना, उसके अंदर कीबोर्ड एक बहुत दिल से जुड़ी हुई चीज होती है, मतलब मेरे तो पर्सनली है, तुम्हारा जो भी है मानना मेरे को बताना कमेंट करके। एंड MSI वालों से मेरी खास रिक्वेस्ट है, भाई ये कीबोर्ड्स इंडिया में लॉन्च करो। इनकी GK600 सीरीज के कीबोर्ड्स हैं यहाँ पे, और भाई आप इनके लुक्स देखो, अलग अलग कलर ऑप्शंस हैं, और इसके अंदर इनकी RGB कितनी प्यारी लग रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे बेस्ड हैं। जैसे यहाँ पे एक स्पेस थीम वाला कीबोर्ड देखो आप, ये वाला, और एक ये वाला कीबोर्ड हो गया, एंड भाई एक ये वाला आप देखो, भाई क्या जबरदस्त लग रहे हैं यार। एंड लीनियर स्विचेस के साथ है, आप आवाज सुनो, एकदम सेटिस्फाइंग, और कीबोर्ड की क्वालिटी वगैरह भी बहुत सॉलिड है, और साथ में इंटरैक्टिव डिस्प्ले मिलती है साइड में जिसके अंदर आप RGB कस्टमाइज कर सकते हो, MSI का लोगो वो आ जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स है। और स्पेसिफिकली मेरा मानना है इंडिया में आने चाहिए, क्योंकि लोगों ने भाई बहुत पैसा खर्चना शुरू कर दिया कीबोर्ड पे, सेल बढ़िया हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। बाकी तुम्हारा जो मानना है इनके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ। और भाई ये कीबोर्ड देखो, ये है तो छोटा सा भाई, लेकिन इतना हैवी है, पूरा मेटल का कीबोर्ड है, और नीचे साथ में इसके रेस्ट भी मिलता है जो कुछ इस तरीके से है, एंड इसके अंदर RGB लाइट बार है, और वो इसके रेस्ट तक आती है प्रॉपर, और RGB का इफेक्ट बनाती है। और इसका मॉडल स्ट्राइक 700 है, और ये भी 8000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है, e-sports grade वाला equipment है। और accessories में इनके headphones भी आते हैं जिनका मॉडल Maestro 500 है, low latency वगैरह मिल जाती है, ANC भी है इसके अंदर, पता नहीं है इंडिया में लॉन्च होंगे नहीं होंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे गेमिंग माउस भी है Versa 300 एंड 500 जिसके अंदर अप टू 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, मतलब e-sports grade वाले माउस है, और लाइट वेट 66 एंड 68 ग्राम्स, और बाकी सारी टेक स्पेक्स आप देख सकते हो। और इसको मैं स्टोरेज बोलूं या सोना, ये तो भैया इनके रेट तो बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने सिस्टम में अगर आप स्टोरेज लगाओगे तो इनकी स्पेशियम M571 आप यूज कर सकते हो, जिसमें 1 TB 2 TB 4 TB तक कैपेसिटी आती है, और ये Gen 5 SSD है, तो धुआंधार रीड एंड राइट स्पीड्स, महंगा मसाला। और भाई आजकल डेटा इतना हो गया, एक्सटर्नल स्टोरेज अगर आप देख रहे हो ना, तो ये इस टाइप की इनकी स्टोरेज है जो मैक सेफ के साथ आती है, फोन के पीछे आराम से भाई चिपका सकते हो, एंड इसके अंदर भी अप टू 4 TB तक कैपेसिटी हमारे को मिलती है। फोन्स में जैसे शूट वगैरह किया, डेटा ऑन द गो स्टोर कर लिया, एडिटिंग वगैरह के लिए, तो उसमें काफी काम आ सकती है। और आप इसकी लुक्स देखो भाई, इतनी प्रीमियम लग रही है दिखने में, और साइड में एक्स्ट्रा स्पेस भी है की चेन वगैरह अगर आपको लगानी हो, और सबसे बेस्ट पार्ट एक तो पोर्टेबल है, और इसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत जबरदस्त है, अप टू 4000 रीड एंड 3600 MBPS राइट, और इसका वेट सिर्फ 85 ग्राम्स है, और ये स्पेसिफिकली टारगेट भी आईफोन यूजर्स को करती है, लॉग रिकॉर्डिंग थोड़ा एक्सटर्नल लगाना पड़ता है ना, महंगा मसाला, तो कंटिन्यूअस प्रोरेस रिकॉर्डिंग आप आईफोन पे इसके थ्रू कर सकते हो, पहले आईफोन में खर्चा फिर स्टोरेज में खर्चा, बट प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है। और अपने प्रोफेशनल स्पेस में वाईफाई वगैरह आप लगा रहे हो तो इनका मैश सिस्टम आप चेक कर सकते हो, रोमी करके है ये, और वाईफाई 7 सपोर्टेड है, उसके अलावा जो भी तकनीकी चीजें हैं वो आप देख सकते हो, अप टू 120+ डिवाइसेस तक ये कनेक्ट हो जाते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इनका गेमिंग राउटर भी यहाँ पे है, भैया गेमिंग लग गया तो RGB देंगे, MSI के लोगो में RGB है, और ये वाईफाई 7 के साथ आता है, और अप टू 6 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड तक को ये सपोर्ट करता है, यानी ये तगड़ी इंटरनेट स्पीड्स आप निकाल सकते हो। भाई गेमिंग चल रही है, पिंग आ ही नहीं जानी चाहिए। बाकी डेडिकेटेड गेमिंग एक्सेलरेटेड पोर्ट हमारे को इसके अंदर मिलता है, अपना अच्छा खासा क्वाड कोर पावरफुल CPU इसके अंदर लगा रखा है, बाकी टेक्निकल चीजें आप देख सकते हो। इसका मॉडल Radix BE9400 है, तो अगर आप देख रहे हो गेमिंग के हिसाब से राउटर अपने लिए, स्ट्रीमिंग गेमिंग थोड़ा महंगा मसाला। और भाई MSI के QD-OLED मॉनिटर आपको पता है, लास्ट जनरेशन में हमने सारे रिव्यू करे थे अलग अलग साइजेस, वो इनके 4th जनरेशन थे, अब इनकी 5th जनरेशन QD-OLED मॉनिटर्स की आ गई है, एंड इसके अंदर काफी सारे मेजर चेंजेस हैं, जैसे इन्होंने पिक्सल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जिसकी वजह से टेक्स्ट है या यूजर इंटरफेस जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी क्लैरिटी अब आपको ज्यादा बेटर मिलेगी, और भाई ब्लैक्स अब और डीपर ब्लैक्स मिलेंगे बिकॉज इसके ऊपर डार्क आर्मर फिल्म इन्होंने लगा दी है, एंड उसकी वजह से स्क्रीन पर जो ग्लेयर है वो भी काफी इंप्रूव हो गया, और कॉन्टेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया, और HDR की परफॉर्मेंस भी काफी बेटर हुई है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे उतना टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब ये हमारे पास स्टूडियो में आएगा तो मैं आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगा। और इन नए पैनल्स में AI केयर सेंसर भी दिया है जिसकी वजह से जो OLED की हेल्थ है वो बेटर होती है, और एवरीडे ब्राइटनेस बैलेंस को एनहांस करती है, तो अपग्रेड तो काफी अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन मॉनिटर में बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीमीडिया गेमिंग, एक बार स्टूडियो में आएगा ना फिर इन डेप्थ देखेंगे। और इसके अंदर भी सारे साइजेस मिलेंगे, अल्ट्रा वाइड कर्व्ड जो जो ये लाते हैं, एंड अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने डेस्क पे मॉनिटर चूज कर सकते हो, क्योंकि अच्छा PC बिल्ड करने के बाद अगर अच्छा मॉनिटर ना हो तो स्वाद नहीं आता। और अगर आप एक ट्रू गेमर हो तो ये वाला मॉनिटर तो भैया आपके लिए तोहफा है तोहफा, बिकॉज इसके अंदर जो फीचर्स हैं मतलब हर चीज के अंदर AI, भाई इसके अंदर एक तो AI ट्रैकर मिलता है जिसकी वजह से आपके गेम का कैरेक्टर जो है ना वो हाईलाइट हो जाता है, उसके अलावा AI गॉगल है, अब मान लो काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो किसी ने फ्लैशबैंग मार दिया तो AI गॉगल अगर आप ऑन रखोगे तो ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाओगे फ्लैशबैंग से, एक एक्स्ट्रा एज आ गया, इसको चीटिंग नहीं बोलते। उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे AI गेज, विजन प्लस, AI सीन, AI स्कोप, और भी बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो,
और ये भी 5th generation QD-OLED के साथ ही आता है। और सबसे बढ़िया इसके अंदर AI रोबोट लाइट है, जो वॉइस कमांड के थ्रू आप इसकी मॉनिटर सेटिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हो। और QD-OLED में और भी साइजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे 27 इंच के दो मॉनिटर्स है मेरे पीछे, लेकिन ये मॉनिटर्स ऐसे वैसे नहीं है, ये AI डुअल मोड के साथ आते हैं, यानी कि 5K एंड 2K दोनों पे आप चला सकते हो। दोनों के रिफ्रेश रेट अपने अपने हैं, जैसे ये वाला 5K 165 हर्ट्ज और 2K 330 हर्ट्ज तक जा सकता है, और दूसरा मॉनिटर 75 एंड 300 हर्ट्ज। तो भाई प्रोडक्टिविटी, गेमिंग सब एक ही के अंदर, रेजोल्यूशन, हाई रिफ्रेश रेट, क्या क्या करके मानेंगे भाई साहब। तो भाई ये थे इंटरेस्टिंग लॉन्चेस जो MSI ने किए हैं CES 2026 में, एंड इसमें से देखते हैं कौन कौन से इंडिया में आएंगे, कौन कौन से नहीं, एंड जो भी आएंगे इस बात की श्योरिटी है रिव्यू सबका लाया जाएगा, ताकि आप अपना बढ़िया PC बिल्ड कर पाओ। दुआ करो रैम SSD के प्राइस कम हो जाएं। बाकी आपको क्या पसंद आया मेरे को कमेंट करके बताओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।